जब मैगी खाने का मन हो और मैक्रोनी खाने का भी मन हो तो बनाइए ये मैगी मैक्रोनी। ये खाने में बहुत टेस्टी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी वेज विद गीत। आज मैं बनाने वाली हूँ मैगी मैक्रोनी। मैगी मैक्रोनी बनाने के लिए चलते हैं मेरी किचन में। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैक्रोनी, 1 मैगी, मैगी मसाला टेस्ट मेकर, ये देखिए जो मैगी के अंदर होता है पैकेट में, और 1 मैगी मैजिक मसाला। और वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हैं। सबसे पहले एक पतीला रखेंगे गैस पर, उसमें डालेंगे 5-6 कप पानी। जब वो बॉईल होने लग जाएगा उसमें डालेंगे हम 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच ऑयल। नमक और ऑयल डालने से नूडल्स या मैक्रोनी या पास्ता आपस में चिपकते नहीं हैं, खिले खिले बनते हैं। इसमें डाल देंगे हम 1 कप मैक्रोनी, चाहे तो आप पास्ता भी डाल सकते हैं, और इसे हम 5 से 7 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पर बॉईल होने देंगे। जब मैक्रोनी 80% तक पक जाएगी तब हम इसमें डाल देंगे 1 मैगी का ब्लॉक। इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे, क्योंकि मैक्रोनी हमारी 80% ऑलरेडी कुक है। मैगी डालेंगे और 2 से 3 मिनट पकाने के बाद ये दोनों चीज़ें अच्छे से पक जाएंगी। ये देखिए नूडल्स भी बॉईल हो गई हैं, मैक्रोनी भी बॉईल हो गई है। अब हम इसे एक स्ट्रेनर में डाल के छान देंगे और इसके ऊपर डाल देंगे हम ठंडा ठंडा पानी ताकि इसकी कुकिंग स्टॉप हो जाए, और इसके ऊपर डालेंगे हम 2 चम्मच ऑयल ताकि ये खिली खिली बने, आपस में ये चिपके ना। अब लेंगे हम एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल, थोड़ा सा लेंगे हम बटर इसमें, क्योंकि बटर से मैक्रोनी और मैगी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। 1 प्याज बारीक कटा हुआ लेंगे हम इसमें, इसे हल्का सा सौते करेंगे। जब ये हल्का सा पिंक हो जाएगा इसमें डाल देंगे हम 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च, 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, इसे थोड़ा सा सौते करेंगे। 1/2 चम्मच डाल देंगे हम लाल मिर्च और फिर थोड़ा सा सौते करेंगे। वेजिटेबल्स आप इसमें कोई भी अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। फिर डालेंगे हम इसमें कटे हुए टमाटर और डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच नमक। नमक हमने मैक्रोनी और मैगी को बॉईल करने में भी डाला था, इसलिए ध्यान से डालेंगे। थोड़े से डाल देंगे मटर इसमें हम, इसे हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि ये टमाटर और मटर अच्छे से पक जाएं, इसमें कच्चापन ना रहे। इसमें अब डाल देंगे हम मसाले, जो एक टेस्ट मेकर मैगी के पैकेट में से निकलता है वो, और 1 मैगी मैजिक मसाला डालेंगे। क्योंकि हमने मैक्रोनी ली है और स्पाइसेस अच्छे होने चाहिए, इसलिए हम मसाला एक्स्ट्रा भी डाल रहे हैं। थोड़े चिली फ्लेक्स डाल देंगे और कटा हुआ पनीर डाल देंगे। आप चाहें तो उसमें पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं, मशरूम डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो हम इसमें डाल सकते हैं। इसमें हम बॉईल की हुई मैगी और मैक्रोनी डाल देंगे। अब 2 फोक की हेल्प से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फोक की हेल्प से मिक्स करने से इसके नूडल्स और मैक्रोनी टूटते नहीं हैं, खिले खिले बनते हैं। ये देखिए हमारी मैगी मैक्रोनी सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। वीडियो तो आपको पसंद ही आई है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।